हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग वॉल्यूम 2 के पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज उसी प्रकार पार्ट 2 पे कुछ कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए यदि आप पहली बार हमारा पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जरूर पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पुराने क्वेश्चन समझ में आ सके और आप कंटिन्यू आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। साथ ही अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आगे के क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। नोट 3 में रिक्वायरमेंट क्या है उनको समझिए। रिक्वायरमेंट है सेट सील सेल्स बिल आफ्टर से वाउचर बिल प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली इनवॉइस। इससे पहले आप सभी ने टैली प्राइम के अंदर सेल्स और परचेस की एंट्री देखा है, क्लियर है? जब आपने सेल की एंट्री किया होगा या परचेस की एंट्री किया होगा तो बिल जो है ऑटोमेटिक प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं हुआ होगा। अगर हमें उस बिल को प्रिंट आउट करना होता है तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन पहले प्रेस करना होता है, प्रिंटर की सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके प्रिंटर उस बिल को निकालता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए आप कोई स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं और स्टोर के अंदर हर एक बिल को निकालने के लिए इसी प्रकार का प्रोसेस रहा तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस बिल को निकालने में। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जैसे ही सेल्स वाउचर पर कोई ट्रांजेक्शन को एंट्री किया जाए और उसे सेव किया जाए तो हमारा जो बिल है वो ऑटोमेटिक प्रिंटर निकाल दे, क्लियर है? तो मैं आपको पहले नॉर्मल वे दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेल्स वाउचर है और सेल्स वाउचर पे हम यहाँ पर कोई एंट्री कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ, आप इसको ट्रांजेक्शन ना लें, समझिएगा, है ना? तो यहाँ पर मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। के यहां से मैं बना लेता हूं सेल्स अकाउंट, ग्रुप क्या जाएगा सेल्स अकाउंट। अभी इसमें मैं दोबारा समझाऊंगा, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, क्लियर है? नेम ऑफ आइटम यहां पर मैं एक एग्जांपल के लिए बना देता हूं। पहले आप प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाला और यहाँ पर हमने उसका रेट डाला, क्लियर है? और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा जो बिल हो रहा है 3400 रुपये का हो रहा है। और जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूँगा तो सेव तो हो गया लेकिन बिल प्रिंट आउट होने का कोई ऑप्शन नहीं आया और ना ही हमारे पास प्रिंटर से प्रिंट आउट हुआ, क्लियर है? अब मान लीजिए इस बिल को कस्टमर को प्रिंट आउट करके देना है, जाहिर सी बात है सेल्स का बिल है तो कस्टमर को प्रिंट आउट करके देना पड़ेगा। अब कस्टमर को बिल प्रिंट आउट करके देना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्केप करेंगे, डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाके उस बिल को ढूंढ के ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर ऑल्ट पी करेंगे, फिर यहाँ से एंटर करेंगे तो ये देखो प्रिंट ऑप्शन आ रहा है। अब आ रहा है कब, जब हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पर उसका प्रिंट पे क्लिक कर देंगे या प्रीव करेंगे तो इस प्रकार से बिल जो है आपका प्रिंटर से प्रिंट आउट होके निकल जाएगा, ज़्यादा क्लियर है? लेकिन आप ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर जब हम एक बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो बिल को प्रिंट करने के लिए कई प्रोसेस हमने किए। अब कई प्रोसेस किए मतलब बिल को प्रिंट करने के लिए बहुत समय लग गया, तो समय लग गया मतलब कस्टमर बैठे हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ऐसे में हमारा काम जो है बहुत स्लो हो जाएगा। अब काम को फास्ट बनाना है तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑप्शन बटन प्रेस करने से आया है ये ऑप्शन जैसे हम ट्रांजेक्शन को सेव करें वो ऑटोमेटिक आ जाए और अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाए, क्लियर है ना? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो सेल्स वाउचर है उस सेल्स वाउचर पे कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, क्लियर है? तक समझ में आ गया? कौन से वाउचर पर ये सुविधा चाहते हैं, सेल्स वाउचर पर, इसलिए चेंजेस किसका करेंगे, सेल्स वाउचर पर, क्लियर है? तो यहाँ से अपग्रेड करने के लिए कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में, चेंज करने के लिए ऑल्टर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप, क्योंकि जो हम सुधारना चाहते हैं वो क्या है, हमारा वाउचर है
तो यहाँ से वाउचर टाइप में जाएंगे, कौन सा वाउचर पे जाएंगे, सेल्स वाउचर, तो यहाँ से हम सेल्स वाउचर ले लेंगे। ये आ गया सेल्स वाउचर। अब इस जो सेल्स वाउचर है, सेल्स वाउचर पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग, और साफ साफ लिखा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर हम चाहते हैं कि वाउचर को जैसे सेव करें और हमारा वाउचर उस बिल को ऑटोमेटिक प्रिंट कर दे, तो उस ऑप्शन को क्या करना है, हमें ऑन करना है। मतलब जिस वाउचर के अंदर ये सुविधा चाहते हो, उस वाउचर के अंदर जाके इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस जगह पे जाएंगे और जाकर इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखते हैं करके, दोबारा करके देखें उसी ट्रांजेक्शन को। तो देखिए यहाँ से ओपन कर लिया ये ट्रांजेक्शन को, फिर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब वो ऑप्शन आता है कि नहीं आता, यहाँ से एंटर एंटर, तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। अब मुझे अलग बटन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं जैसे ही वाउचर को सेव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बिल प्रिंट करने के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख लीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की सुविधा के लिए आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन यूज करेंगे ना। हाँ, अगला देखते हैं, नोट नंबर 4, सेट ऑटोमेटिकली जीएसटी लेजर परचेस एंड सेल्स वाउचर। अब बात करते हैं जीएसटी का, क्योंकि हम ये जो कंपनी लेके चल रहे हैं वो कंपनी कौन सी कंपनी है, जीएसटी की कंपनी है। और जीएसटी के अंदर जब हम बिल बनाते हैं तो आपको याद होगा कि एक वाउचर के अंदर, एक बिल के अंदर CGGST, SGST या IGST का खाता रखते हैं। और आपको याद है पिछले क्लास में जब बार बार हमने सेल्स या परचेस किया है तो वहाँ पर बार बार हमें नीचे पे CGGST, SGST और IGST लगाना पड़ा है। तो कई बार क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि उस बिल पे IGST लगेगा, CGGST लगेगा कि SGST लगेगा, या कई बार क्या होता है कि नीचे में लगाना ही भूल जाते हैं, इस कारण से हमारा बिल रॉन्ग बन जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब वाउचर को ओपन किया जाए एंट्री करने के लिए, जैसे कि मैं सेल्स वाउचर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो जो खाते हैं जो पर्टिकुलर इसमें लगने हैं वो खाते पहले से आ जाए, और जब ज़रूरत हो तो वो यूज़ हो जाए, और ज़रूरत ना हो तो यूज़ ना हो। बात नहीं समझ में? मतलब जो CGGST का खाता है, SGST का खाता है और जो IGST का खाता है, वो सेल्स वाउचर पर पहले से यहाँ पर आ जाए, मुझे बार बार लाने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से फिक्स रहे, जिस प्रकार सेल्स वाउचर पे है उसी प्रकार परचेस में भी आ जाए तीनों खाते, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो वहाँ पर आ जाएगा, और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ से हट जाएगा। क्लियर है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कहाँ पर, GST पर आपका, कहाँ, परचेज और सेल्स वाउचर। क्लियर है? कहाँ सेट करना है, परचेज और सेल्स वाउचर का, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम कहाँ पर चाहते हैं, परचेज पर भी चाहते हैं और सेल्स वाउचर पर भी ये चाहते हैं। अब थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, जब हम कोई माल परचेज करते हैं किसी सप्लायर से, किसी दुकान से या किसी कंपनी से, तो परचेज करते समय हम अपना GST गवर्नमेंट को भरते हैं। क्लियर है? जिसे कहा जाता है इनपुट GST, क्या बोलेंगे, इनपुट GST। क्लियर है? और जब हम माल बेचते हैं कंज्यूमर को, किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, तो उस समय उस व्यक्ति, कंपनी या कस्टमर से हम GST वसूलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट GST। क्लियर है? इसलिए परचेज के लिए हम इनपुट का यूज़ करेंगे और सेल के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट CGGST और आउटपुट CGGST का खाता परचेस के और सेल्स वाउचर पे रखेंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? दुर्गेश समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो खाते हैं जो सेल पर यूज़ होने हैं और जो परचेस पे यूज़ होने हैं, उन खातों को हम पहले से यहाँ पर फिक्स करना चाहते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बाहर आएंगे और हमको आना है ऑल्टर। जितनी बार सुधारना हो, अपग्रेड करना हो, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, और ऑल्टर के अंदर हमें कहाँ जाना है, वाउचर टाइप। पहले कौन सा वाउचर को करना चाहते हैं, सेल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल पे जाएंगे। क्लियर है? अब सेल के अंदर देखो, यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। मतलब डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जो पहले से आ जाए, हमको बार बार लाने की जरूरत ना पड़े। कहाँ पर, अकाउंटिंग के लोकेशन पर, मतलब जहाँ पर वो चाहिए उनके लोकेशन पर पहले से आ जाए, इसी को तो हम इनेबल करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे।
और जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, मतलब वो खाते जिनको हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं या सेट हो चुका है उनको चेंज करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, इसलिए क्या करेंगे इस ऑप्शन को भी या यस कर लेंगे। जैसे यस करेंगे तो देखो ये आ गया, तो पहला किसका खाता आएगा, सेल का। तो सेल का खाता अगर आपने नहीं बनाया होगा तो ऑल्ट सी करके सेल का खाता बनाना है। सेल का खाता कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेल का खाता बना चुका हूँ तो यहाँ से मैं सेल्स का खाता लूँगा। यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, एंटर एंटर करके नीचे आ जाएगा। तो एक तो सेल का खाता पहले से आ जाएगा और सेल के खाते के अकॉर्डिंग हमारे जो अदर खाते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उसमें से सबसे पहला खाता क्या आएगा, आउटपुट CGGST ये बनेगा। तो यहाँ से बना लेते हैं आउटपुट CGST, हाँ सेल से मैं आउटपुट लगेगा बेटा, है ना, कैपिटल में कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा आउटपुट CGST। ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जितने भी टैक्स के खाते होते हैं उन सभी टैक्स के खाते का एक ही ग्रुप होता है, कौन सा, ड्यूटी एंड टैक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स, हाँ क्या बोले बेटा, सेल्स पे इनपुट नहीं लगता बेटा, सेल पे आउटपुट लगता है, इनपुट परचेस पे लगता है। अभी आपको बताया ना, जब हम माल खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, और जब हम कंज्यूमर को माल भेजते हैं तो वो लगता है आपका आउटपुट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका आउटपुट लगेगा, क्लियर है। तो आउटपुट CGGST हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेना है, GST लेना है, और ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल। तो यहाँ से हम सेंट्रल ले लेंगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये वो हमारा पहला खाता जिसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के साथ साथ एक ऑप्शन और है, उस ऑप्शन को भी समझिए, लिखा क्या है, रिमूव F0। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन करने के दौरान CGGST SGST के खाते पे कोई वैल्यू नहीं आता है तो वो बिल से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यही हम चाहते हैं, इसलिए रिमूव F0 ऑप्शन को क्या किया हमने, यस किया, क्लियर है। उसी प्रकार से दूसरा बना लेंगे, दूसरा क्या बनेगा, आउटपुट, आउटपुट ही बनेगा अभी, आउटपुट SGST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्लियर है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, GST, यहाँ से हम स्टेट टैक्स लेंगे, एंटर कर देंगे, क्लियर है सेम। इसी प्रकार से एक और बनेगा, कौन सा, आउटपुट IGST, क्लियर है। ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से GST और इंटीग्रेटेड टैक्स, क्लियर है। तक एक खाता हम यहाँ पर और बना रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कभी कभी सेल्स और परचेस वाउचर पे लगता है। और वो क्यों लगता है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो कई बार जो अमाउंट होता है 95 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे ऐसे आता है। अब किसी कंज्यूमर से 20 पैसे 15 पैसे तो लेंगे नहीं, या किसी सप्लायर को 15 पैसे 20 पैसे तो देंगे नहीं, तो इसको राउंडिंग करना होता है। राउंडिंग का मतलब या तो 1 रुपया मान लो या तो 0 कर लो, क्लियर है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है राउंडिंग का खाता, क्लियर है। तो यहाँ पर हम राउंडिंग का खाता बनाएंगे, तो राउंडिंग का खाता बनाने के लिए ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं राउंड ऑफ, क्लियर। यहाँ पर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ये लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पर देखो टाइप ऑफ लेजर के अंदर लिखा है इनवाइस राउंडिंग, दिख रहे हैं, उसमें इनवाइस राउंडिंग लेंगे। फिर यहाँ पर आप लेंगे राउंडिंग मेथड के अंदर, आपके पास 3 मेथड होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो मेथड होता है वो होता है नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होगा कि अगर कोई अमाउंट 50 पैसे से ऊपर आ रहा है तो वो 1 रुपये में लेगा, और 50 पैसे से नीचे आएगा तो उसको 0 काउंट करेगा, ये नॉर्मल राउंडिंग है। दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या है, अगर आपके पास 99 पैसे भी क्यों ना आए उसको 0 रुपये में ही काउंट करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अपर राउंडिंग। अपर राउंडिंग में क्या है, अगर 0.1 आया तब भी उसको पूरा 1 रुपये ले, क्लियर है। तो सबसे बेस्ट जो राउंडिंग मेथड होता है वो होता है नॉर्मल का, जिसमें कंज्यूमर और सप्लायर दोनों को घाटा नहीं होता, है ना। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। राउंडिंग की लिमिट क्या लेंगे, 1, क्योंकि अगर घटेगा या बढ़ेगा तो 1 रुपया घटेगा या 1 रुपया बढ़ेगा। तो यहाँ से एंटर कर देंगे, एंटर एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद दोबारा और बताना है किस में राउंडिंग लेना चाहते हैं,
एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, टोटल जो अमाउंट आएगा बिल का उस पर राउंडिंग लेना चाहते हैं। राउंडिंग मेथड क्या होगा? नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। लिमिट क्या होगा? एक रुपए, ये लिखना है, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखेंगे आपका जो सेल्स वाउचर है, अभी देखिए सेल्स वाउचर, तो ये आ गया देखो ऑटोमेटिकली। अब हमें बार बार ये लाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ट्रांजेक्शन एक ही राज्य के अंदर हो रहा है तो अमाउंट CGGST और HGST में आ जाएगा। अगर हमारा लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य पे हो रहा है तो हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? IGST में आ जाएगा। और जब हम बिल बनाएंगे तो बिल पे जिसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हमने सेट कर दिया कहाँ पर? सेल पे। सेम हमको कहाँ पर चाहिए? परचेज पे भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप करके बाहर आएंगे, फिर से ऑल्टर वाउचर टाइप, और यहाँ पर हम जाएंगे परचेज वाउचर आगे, और परचेज वाउचर के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लास्ट में हमको इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। इस ऑप्शन को यस करेंगे, फिर यहाँ से इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे, और यहाँ पर हमें खाता बनाना है किसका? परचेज का। तो यहाँ से हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट, ग्रुप क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। यहाँ पर क्या लेना है? गुड्स लेना है, ठीक है। एंटर कर देंगे, ये आ गया परचेज का। अब यहाँ पर लेजर बनाएंगे, तो लेजर यहाँ पर क्या बनेगा? इनपुट, यहाँ पर जो लगता है वो क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। तो यहाँ से हम बना देंगे इनपुट CGST, ठीक है। ग्रुप क्या हो जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या आ जाएगा? GST। कौन सा टैक्स है? सेंट्रल। एंटर कर देंगे। उसी प्रकार से आपका इनपुट SGST, ठीक है। यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, क्लियर है। और उसी प्रकार से आपका आ जाएगा इनपुट IGST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और इंटीग्रेटेड टैक्स, क्लियर है। ये हो गया राउंडिंग का खाता, हमारा पहले से बना हुआ है जिसको हम दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए डबल नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे राउंडिंग, एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और वन, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? जब आप माल परचेस करेंगे तो माल परचेस करते समय जो टैक्स देते हैं वो टैक्स इनपुट कहलाता है, इसलिए हमने परचेस के लिए अलग टैक्स सिस्टम बनाया, अलग खाता बनाया, ताकि हमें पता चले कि जब हम माल परचेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं। इसलिए हमने खाते क्या क्या बनाए? इनपुट CGGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। उसी प्रकार जब हम माल बेच रहे हैं तो माल बेचते हैं तो उस समय कस्टमर से टैक्स वसूलते हैं, तो कस्टमर से कितने का टैक्स वसूले हैं जिसको हमको गवर्नमेंट को भरना है, तो उनका पता अलग से लगे, इसके लिए हमने क्या बनाया? आउटपुट CGGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, क्लियर है। एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ये हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर परचेज वाउचर पर भी इसी प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर आ, जिससे आपका काम जो है आसान हो जाएगा। अब जब आप एंट्री करेंगे, आइटम डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, तो आपको नीचे वाले पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसका जो रेट आप इंटरेस्ट है या जो उनका दर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लियर है। आगे और बता दूँ, एक ऑप्शन और बचा है, फिर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना, एक ही ऑप्शन बचा है बस, है ना, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है ना, ठीक। लास्ट है नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 है सेट डिक्लेरेशन कंपनी टर्म एंड कंडीशन, सेट डिक्लेरेशन कंपनी टर्म एंड कंडीशन। ध्यान से समझिएगा, जब हम एक रेपुटेड एक अच्छी कंपनी पे जॉब के लिए जाएंगे या काम करेंगे तो उस कंपनी के अंदर कंपनी का एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है, क्योंकि कंपनी जो है काम से ज़्यादा कम आपका सिस्टम से ज़्यादा चलता है, और वो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या है कि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं सेल पे, सेल पे ऐसा फोकस है कि मान लीजिए मैं प्रवेश को 10,000 रुपये का माल सेल करता हूँ, और प्रवेश मेरा 10,000 रुपये बाद में नहीं देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो नियम कानून माल बेचते समय ही प्रवेश को बता देंगे, अगर ये नहीं बताऊंगा तो बाद में वो मुझसे लड़ सकता है कि आपने क्यों नहीं बताया या मेरा पैसा नहीं देगा, तो मुझे लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। तो लीगल एक्शन लेने के लिए मुझे लिखित तौर पे लिखना होगा अपने बिल पे, ठीक है ना, जो बिल हम अपने कंज्यूमर को प्रिंट आउट करके देंगे उस बिल पे साफ साफ हमारा लीगल इंस्ट्रक्शन लिखा होना चाहिए कि उसको पेमेंट कैसे करें,
अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो ब्याज क्या लगेंगे, कब तक लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ये सारा कुछ बिल पे लिखा होना चाहिए। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर पर जो बिल हम फाड़ेंगे, जो बिल प्रिंट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सेल्स वाउचर है। सेल्स वाउचर पर जब हम यहाँ पर प्रिंट आउट करते हैं, प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो ये जो बिल निकला, इस बिल पर आइटम क्वांटिटी, जीएसटी रेट, इनवाइस नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन पे जो दिशा निर्देश है हमारा शॉप का, वो लिखा, ताकि कस्टमर को चीज़ें समझ में आए और बाद में वो लड़ाई ना करें। तो वो डिक्लेरेशन क्या लिखना चाहते हैं, देखो लिखा हुआ है। पहला डिक्लेरेशन है, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। ये हमारा डिक्लेरेशन है, कस्टमर को हम साफ साफ बता रहे हैं कि आप जो माल लेके जा रहे हो चेक करके लेके जाओ, आप एक बार खरीद लेते हो उसके बाद हम उस माल को वापस नहीं ले सकते, उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसके बदले दूसरा दे सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होगा, पैसा रिटर्न नहीं होगा, ये साफ साफ लिख दिए। अगर ये नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि कंज्यूमर आएगा, आपसे माल खरीदेगा, दो दिन बाद फिर वापस आके दे देगा, आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने बिल पे नहीं लिखा है। और अगर आप बिल में लिख रहे हो तो कंज्यूमर आपको ऐसा नहीं करेगा, क्लियर है ना। दूसरा आपका क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, एनम मतलब होता है पर ईयर, ठीक है, 18% का ब्याज पर ईयर लगेगा, विल बी चार्ज इफ द पेमेंट नॉट मेट विद इन द स्टेटेबल टाइम, मतलब अगर सही टाइम पर अगर आपने उधार का भुगतान नहीं किया तो उस बिल पर, उस अमाउंट पर 18% का ब्याज हम लेंगे, ठीक है, ताकि कोई कंज्यूमर जो है सही तरीके से सही समय में पेमेंट कर दे, क्लियर है। तो ये दो डिक्लेरेशन हमें क्या करना है, इस बिल पर यहाँ पर लिखना है। अभी क्या लिख के आ रहा है डिक्लेरेशन पे, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस सो दैट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिस्क्राइब एंड पर्टिकुलर्स आप ट्रू एंड करेक्ट, ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन इसकी जगह हम चाहते हैं कि हमारा मैनुअल वाला जैसा हम चाहते हैं वैसा लिखा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने सेल्स वाउचर को फिर अपग्रेड करना है, क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट, सॉरी ऑल्टर, यहाँ से वाउचर टाइप, यहाँ से हम जाएंगे सेल्स, क्लियर। और सेल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे पे लिखा हुआ है सेट अल्टर डिक्लेरेशन, ठीक है, इसी डिक्लेरेशन पे जाके आपको लिखना है। पहले से कुछ लिखा हुआ था जो वहाँ आ रहा था, स्पेस बटन दबाएंगे मिट जाएगा। अब यहाँ पर लिखने का टेक्निक समझिएगा, यहाँ पर लिखते समय एंटर नहीं करेंगे, एंटर किया मतलब सेव हो जाएगा और आपको चांस नहीं मिलेगा दोबारा। तो बिना रुके आपको लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देते हुए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा, पहला हम लिख लेंगे, पहला है हमारा, ये हमने ब्रैकेट लगा लिया इस प्रकार से, गुड्स वंस सोल्ड ये हमने डाल दिया, क्लियर है। स्पेस बटन दबाना, ठीक है, कर्सर दिख रहा है छोटा सा पॉइंट, स्पेस बटन दबाना, लास्ट में लेके चला है ना। अब लिखने टू ऐसे करके तो नीचे आ जाएगा, क्लियर है, हाँ, एंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, एंटर नहीं करना। यहाँ से फिर लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट 18%, ठीक है, पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर है ना, विल बी क्या हुआ बेटा, चार्ज इफ पेमेंट नॉट या? और कुछ होगा इसके अलावा तो वो भी आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे। अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग लीगल नोटिस होता है जो कंज्यूमर को दिया जाता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो शोरूम होता है
उस पर साफ साफ लिखा होता है कि वारंटी कवर बाय रिलेटेड कंपनी, हम कवर नहीं गए, ऐसा भी लिखा होता है। तो ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिजनेस के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ से एंटर कीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिल प्रिंट आउट करके देख सकते हैं, ये देखिए आ गया जो हमने लिखा, आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार बिल के नीचे पे ही आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया?